हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन व्हाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ठीक है गाइज, तो इन दोनों नंबरों को गाइज हमें प्रूव करना है कि क्या ये दोनों नंबर कंपोजिट है। यस गाइज, इनको सोल्व करने से पहले आपको ना प्राइम नंबर का और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन गाइज आपको पता होना चाहिए कि भाई प्राइम नंबर तो कौन से होती है और कंपोजिट नंबर कौन से होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक दो नंबर लेता हूँ, जैसे मैं जैसे टू लिया, टू आपको पता है गाइज प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है और जैसे फोर नंबर है ना वो कंपोजिट नंबर में आता है। तो इनकी डेफिनेशन क्या बनती है भाई, अगर कोई नंबर प्राइम है ना तो उसका फैक्टर या तो टू नंबर इटसेल्फ होता है या फैक्टर वन होता है, क्योंकि टू क्या है प्राइम नंबर है। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे या तो टू खुद बनेगा नंबर इटसेल्फ या वन बनेगा क्योंकि प्राइम नंबर है। फॉर एग्जांपल जैसे फाइव ले लिया मैंने, ठीक है, प्राइम फाइव एक प्राइम नंबर होता है, तो फाइव का जो फैक्टर बनता है वो वन बनेगा या फाइव बनेगा। तो इसकी डेफिनेशन में बन जाएगा ए नंबर इज सेड टू बी प्राइम इफ इट हैज प्राइम फैक्टर वन एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अगर कोई नंबर कंपोजिट नंबर है ना तो इसके फैक्टर की बात करते हैं, तो वन बनता है, टू भी बनता है एंड नंबर इटसेल्फ भी होता है। ठीक है, तो अदर देन नंबर वन एंड इटसेल्फ की से अदर देन अगर कोई और फैक्टर भी बनता है ना तो वो नंबर कंपोजिट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो यस गाइस, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद में आपको जो सम है ना बहुत आसानी से हो जाएगा। तो यस गाइज, मैंने जैसे प्राइम नंबर की डेफिनेशन लिखी है, प्राइम नंबर क्या होता है भाई, ए नंबर इज सेड टू बी प्राइम इफ इट हैज प्राइम फैक्टर वन एंड नंबर इटसेल्फ। अगर किसी नंबर के फैक्टर वन और नंबर इटसेल्फ बनता है तो वह नंबर प्राइमरी कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है गाइज, तो एक होता है कंपोजिट नंबर। तो यस गाइज, सब उसके बाद में हम सीखते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, क्योंकि आज हमने इसको क्या प्रूव करना है, कंपोजिट प्रूव करना है, कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो कंपोजिट की क्या डेफिनेशन है, ए नंबर इज सेड टू बी कंपोजिट, ए नंबर इज सेड टू बी कंपोजिट इफ इट हैज प्राइम फैक्टर अदर देन वन एंड नंबर इटसेल्फ। कोई नंबर कंपोजिट होता है अगर वह वन एंड नंबर इटसेल्फ के अलावा भी कोई फैक्टर रखता है तो वह कंपोजिट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो यस गाइज, आज हमने प्रूव करना है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट है, तो एक्सप्लेन करें कैसे है। ठीक है, तो यस गाइज, सबसे पहले मैं पहला नंबर ये वाला उठाता हूं। तो फर्स्ट नंबर में क्या है भाई, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस में 13। ठीक है, इसको प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर कैसे है। सबसे पहले गाइज मैंने नंबर लिखा है, ठीक है, अब इन दोनों नंबरों में से 13 है ना, 13 दोनों में गाइज कॉमन है, तो आप इस नंबर में से 13 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यस गाइज, 13 जैसे मैंने कॉमन निकाला, 13 इंटू में यहां पर क्या बचता है, 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस में 13 आ गया बाहर, क्या बचा गाइज यहाँ पर, 1 बचेगा। ठीक है, इसको मैं अगर और सोल्व करता हूं तो 13 नुकानू 11 7 जा 77 होता है, तो मल्टीप्लाई में 77 तो ये हो गया, प्लस में 1 और जोड़ दिया तो कितना बन जाएगा, 78 बन जाएगा। ठीक है, अब इसके गाइज फिर से फैक्टर तोड़नी है, आपको गाइज पता होना चाहिए कि किसके टेबल में 78 आता है। यस गाइज, अगर हमें टेबल में ध्यान नहीं आ रहा ना तो एक काम करते हैं, हम इसका ना एलसीएम बना लेते हैं। तो 78 का हम एलसीएम बना लेते हैं, जैसे 2 पे जाता है ये 2 पे, 2 3 जा 6 2 9 जा 18, 3 से चला जाएगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9। ठीक है, तो मैं गाइज इसको लिख सकता हूँ 13 मल्टीप्लाई में
एक तो फैक्टर बनने गया इसका 13 मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 2, ठीक है, क्योंकि नंबर क्या था भाई, ये नंबर था भाई, ठीक है ना, मतलब इसके मैंने फैक्टर बना दिए, 13 बना गया, 13 बना दिया, 3 एंड 2 बना दिया, ठीक है, मतलब इसके जो फैक्टर है ना गाइज, तो एक तो 1 भी है वैसे जैसे, ठीक है, 1 नंबर भी है और अदर देन भी नंबर है इसमें, बहुत सारे फैक्टर हो गए ना, मतलब मोर देन 2 फैक्टर हो गए, तो मोर देन 2 फैक्टर है ना, तो ये नंबर किस में आएगा, किस कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में, ठीक है। तो सेम तरीके से गाइज हम सेकंड वाले को प्रूव करेंगे। अब गाइज ये प्रूव हो गया क्योंकि इसके कितने फैक्टर है भाई, मोर देन 2 फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर का मतलब है ये नंबर कंपोजिट है, ठीक है ना। तो अब गाइज हम सेकंड नंबर को ट्राई करते हैं कि ये कंपोजिट नंबर कैसी है। सेम तरीके से पहले आप नंबर लिख लेते हैं, दीज आर कंपोजिट नंबर गाइज, याद रखना। तो वो नंबर अगर चेक करते हैं तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 1 प्लस 5 ऐसे गाइज, सॉरी मल्टीप्लाई में 1 है प्लस, फिर उसके बाद में प्लस 1 है। तो गाइज अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरा एक नंबर है, ठीक है, और ये नंबर क्या है भाई, यहाँ पे 5 है, इन दोनों नंबरों में से 5 कॉमन है गाइज, तो आप 5 कॉमन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम 5 को कॉमन निकाल लेंगे, 5 इंटू में यहाँ पर क्या बचता है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस में ये 5 बार आ गया, क्या बचेगा यहाँ पर, 1 बचेगा, ठीक है। अब गाइज हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 7 6 जा 42 होता है, 42 एंड 3 4 3 जा 12 2 जा 24, अब 42 की 24 की करेंगे गाइज मल्टीप्लाई, 42 जा होता 8 4 4 जा होता 16, ठीक है, 2 जा 4 2 8 जा 2 4 जा होता 8। अब गाइज हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई 5 का 5 नुक्का नु इन टू में, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई क्या बनी है, 8 का 8 8 का 8 6 और 4 10 10 की 0 कैरी ओवर 1 8 और 1 9 और 1 10, तो 1008 प्लस में 1, ठीक है ना। तो ये बना गाइज, अब इसको हम ऐड कर देंगे, तो मतलब 5 मल्टीप्लाई में ये नंबर बन जाएगा 1009, ठीक है। अब गाइज इसके और फैक्टर तो बनते नहीं है, ठीक है, तो दो फैक्टर तो गाइज ये हो गया, और एक फैक्टर कौन होता है गाइज, 1 होता है, 1 तो सभी में होता है ना, तो इस नंबर के भी 2 फैक्टर से ज्यादा है, ठीक है ना, मोर देन 2 फैक्टर है ये, तो ये नंबर भी कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर ये नंबर प्राइम होता तो इसके दो फैक्टर होने थे, एक तो नंबर 1 होना था, एक नंबर इटसेल्फ होना था, तो मतलब अदर देन 1 एंड इटसेल्फ के अलावा भी एक फैक्टर है भाई, जैसे 5 लगा लो चाहिए ये नंबर लगा लो, ठीक है, तो ये नंबर भी कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिख देंगे since both the number has या have more than two factor, ठीक है, since both the number have more than two factor, therefore these number are composite, इसलिए बहुत दोनों नंबर कौन से बन गए, कंपोजिट बन गए। तो यस गाइज इस सम को आपने इस तरीके से करना था। तो यस गाइज हमारी वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, ओके ऑल द बेस्ट, थैंक यू।